नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल परम यूट्यूब चैनल में। परमेश्वर ताटे आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो 59 चाइनीज ऐप है उसे इंडियन गवर्नमेंट ने जो बंद किया है उसका अल्टरनेटिव के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2020 से सिक्योरिटी रीजन की वजह से 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। ये ऐप हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते थे, ऐसा आरोप इस ऐप्स पर लगाया गया है। और चाइनीज और हमारी इंडियन गवर्नमेंट के बीच में सीमा पर कुछ तनाव की वजह से भी ये कदम उठाया गया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इन ऐप को बैन कर गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते थे। फिलहाल अभी ये ऐप तो इंडिया में पूरी तरह से बंद हो गई है, लेकिन इन ऐप का यूज हम इंडिया में जो लोग थे बहुत ज्यादा यूजर थे और करते थे, मतलब इसका करोड़ों यूजर थे जो इस ऐप का इस्तेमाल हमारे इंडिया में करते थे और वो वैसे यूजफुल भी थे। आज हम इस वीडियो में इस सभी ऐप के तो अल्टरनेटिव नहीं देखने वाले, लेकिन मुझे जितने मिले हैं मतलब 21 अल्टरनेटिव जो बेस्ट ऐप है उनके मिले हैं, उसके अल्टरनेटिव मैं आपके साथ भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हम पीपीटी को ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले जो ऐप है जो चाइनीज अल्टरनेटिव ऐप है उसमें पहले लिस्ट पर है जो बैन किए हुए ब्राउजर है उनके लिस्ट में यूसी ब्राउजर और डूयू ब्राउजर और सीएम ब्राउजर। ये पूरी तरह से चाइनीज ऐप है और ये बहुत ही खतरनाक ऐप है। ये आपके फ़ोन में अभी इंस्टॉल है तो अभी ही उसे डिलीट कर दीजिए। चाइनीज़ का जितने भी ऐप है आप अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ऐप तो है लेकिन इसके अल्टरनेटिव क्या है, तो उसके सामने मैंने उसके अल्टरनेटिव दिए हैं। तो उसके अल्टरनेटिव है क्रोम ब्राउज़र, मोजिला और सफारी। क्रोम एक गूगल का ही है, मतलब बहुत ही सेफ ब्राउज़र है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, आपको भी पता है। और मोजिला भी एक US की कंपनी है, ये भी ट्रस्टेड कंपनी है। और सफारी जो ब्राउज़र है एप्पल का है, इसे मैक यूज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये भी ट्रस्टेड है। इस ब्राउज़र में जैसा गलत इस्तेमाल करना जैसे कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिक्योर ब्राउज़र होते हैं और ये हमारी इंफॉर्मेशन किसी भी शेयर नहीं करते, कभी भी दूसरे को नहीं देते हैं। सेकंड नंबर पे है फाइल शेयरिंग ऐप्स। तो फाइल शेयरिंग ऐप में आपने देखा होगा कि जेंडर और शेयरिंग बहुत ही पॉपुलर ऐप है चाइनीज़ ऐप में, जिसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया है। तो अभी हम इसके अल्टरनेटिव देखने वाले हैं। तो इसके अल्टरनेटिव है फाइल बाय गूगल और जियो स्विच। तो फाइल बाय गूगल ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, ये बहुत ही सिक्योर है। और दूसरा जो है जियो स्विच, ये हमारी इंडियन ही प्रोडक्ट है जो कि जियो का है। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि जेंडर और शेयर इट करता है। तीसरे नंबर पे है न्यूज़ ऐप। तो न्यूज़ ऐप में जो न्यूज़ डॉग और न्यूज़ एसी यूसी न्यूज़ है ये बहुत ही पॉपुलर है और इसमें ग्लोबल टू लोकल बहुत ही न्यूज़ रीड की जाती थी हमारी इंडिया में इस ऐप के थ्रू, लेकिन अभी तो ये बैन हो गए। तो इसका अल्टरनेटिव है गूगल न्यूज़। तो गूगल न्यूज़ ग्लोबल टू लोकल, जिसमें आप इंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी नेशनल इंटरनेशनल ऐसे बहुत सारी न्यूज़ का फिल्टर यूज़ करके हम न्यूज़ को रूट कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूज़र्स के लिए। नेक्स्ट ऐप है फ़ोन क्लीनर। जो फ़ोन क्लीनर के लिए ऐप यूज किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तौर पर क्लीनर मास्टर और ड्यू स्पीड बूस्टर। ये बहुत ही यूज़र अपने स्मार्टफोन में रैम फ्री करने के लिए, जंक फाइल फ्री करने के लिए, डिलीट करने के लिए इस ऐप का यूज़ करते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव है जैसे मैंने बताया फाइल बाय गूगल, ये भी क्लीनर ऐप्स बहुत ही अच्छे से काम करता है। और दूसरा जो है बूस्टर के लिए क्विकल का एंटीवायरस है, उसमें भी हमको बूस्टर फ्री मिल जाता है। और क्विकल जो है मोबाइल के लिए फ्री और पेड वर्जन में है, तो हमारी फ्री वर्जन में भी बूस्टर हमको मिल जाता है और ये बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। नेक्स्ट ऐप है वीडियो एडिटिंग ऐप। तो वीडियो एडिटिंग में ऐप में हम देखने वाले हैं अभी जो चाइनीज़ ऐप बैन किया है उसका नाम है वीओ
ये वीडियो ऐप, तो इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, जैसे कि काइन मास्टर है, पावर डायरेक्टर है और इनशॉट है। ये बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है और इसका भी यूज़र हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीवो मत यूज करिए। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज़्यादातर जूम ऐप यूज होता है इसे। ये तो 59 लिस्ट में बैन नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐप बहुत ही फेमस हो गया, क्योंकि ये इसमें सिक्योरिटी की कोई, क्योंकि इस ऐप में सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं मिलती, इसीलिए जूम ऐप को भी आप यूज ना करें। तो इसके अल्टरनेटिव है गूगल मीट, जो कि हमारे जीमेल में हमको ये ऑप्शन मिल जाता है, और से नमस्ते ये भी हमारा इंडियन ऐप है, जियो मीट और स्काइपी ये भी बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है। नेक्स्ट ऐप है शॉपिंग ऐप। शॉपिंग ऐप में जो चाइना का है ऐप है वो है क्लब फैक्ट्री। तो क्लब फैक्ट्री भी बकवास ऐप है और इसके प्रोडक्ट भी बहुत ही बकवास आते हैं। मैंने इसे ऑर्डर किया था, अच्छा होगा ये बैन हो गया तो। और इसके अल्टरनेटिव है फ्लिपकार्ट, जो कि हमारे इंडिया का है, अमेजॉन ये US का है, और मिंत्रा भी हमारे इंडिया का ही ऐप है, बहुत ही ट्रस्टेड है, आप इसे भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है स्कैनिंग ऐप। तो स्कैनिंग ऐप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐप है वो है स्कैम स्कैनर। ये बहुत ज़्यादा लोग उसे ऑफिशियली यूज़ करते हैं, तो इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो है अडोबी स्कैनर। ये भी बहुत ही अडोब का है, बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी का है, इसे हम बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है VPN। इसे हम अपना IP एड्रेस चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ऐप है उसमें टर्बो VPN। तो टर्बो VPN ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐप है, इसे हम यूज़ ना करें, क्योंकि हम जब भी उसे कनेक्ट करते हैं तो जितना डाटा डाउनलोड करता है उससे थोड़ा कम डाटा ये अपलोड करता है, मतलब आपसे आपके फ़ोन में से जो भी डाटा है ये वो अपलोड करता है इसके सर्वर पर। टर्बो VPN ऐप यूज़ ना करें तो ही अच्छा है। तो इसका अल्टरनेटिव है प्रोटॉन VPN। तो प्रोटॉन VPN ये स्विट्ज़रलैंड का ऐप है, ये भी बहुत ही ट्रस्टेड ऐप में से एक है। नेक्स्ट है टिकटॉक, जिसे आप बहुत ही राह देख रहे थे कि टिकटॉक का अल्टरनेटिव क्या है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया तो मुझे एक ऐप मिला जो टिकटॉक का अल्टरनेटिव है, जैसे कि हमारा नहीं है, ये अमेरिका का है। तो यह ऐप भी टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप है, ये वीमेट की तरह भी काम करता है और टिकटॉक की तरह भी। तो ये ऐप कौन सा है? तो ये ऐप है ट्रिलर, जो टिकटॉक का बेस्ट अल्टरनेटिव है ये है ट्रिलर। ये अमेरिका का है, ये बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है, इसे आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ये भी इंडिया में नया है, तो इसके यूज़र और इसके रिव्यू भी बहुत ही कम है, लेकिन जैसे ही टिकटॉक के है कुछ दिनों बाद यही फेमस हो जाएगा, मुझे आशा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया है कि टिकटॉक की, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि जो 59 चाइनीज़ ऐप है वो तो पूरे के पूरे अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन उसके 29 ऐप का जो अल्टरनेटिव है मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप इन ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और ये वीडियो आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि इन अल्टरनेटिव ऐप का बेनिफिट ज़रूर उठाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।